देखिए, निंदनीय है अगर वाकई ऐसा जो आपके मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है तो अभी तक तय नहीं हुए आरोप सारे भी, वो पक्के ही उन्होंने किए हैं क्योंकि अभी इसमें चल रहे हैं, ट्रायल्स पर चल रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ रियलिटी में निकलता है सामने तो बहुत निंदनीय है, खेल जगत के लिए बहुत शर्म की बात है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा खिलाड़ियों को फिर वही कि आप लोग जितने भी युवा साथी हैं, खिलाड़ी हैं, अपने गेम की तरफ ध्यान दें क्योंकि ये जो समय होता है ये समय बहुत बहुत क्रूशियल है और बहुत छोटा समय होता है खिलाड़ियों की जो स्पोर्ट्स की लाइफ का जो करियर का टाइम होता है वो छोटा है। इसमें आप अच्छे से ट्रेनिंग करें और अपने ट्रेनिंग के साथ साथ अपने जो स्किल्स हैं उसके ऊपर ध्यान दें, इधर उधर की बातें जो हैं वो आपके करियर को ख़राब कर सकती है। खेलो इंडिया से पहले ओलंपिक्स है और ओलंपिक्स के पैटर्न के ऊपर ही हम खेलो इंडिया करवाएंगे। और दूसरी बात यह है कि खेलो इंडिया की तैयारियां इंफ्रा के ऊपर काफ़ी अच्छी जोरों शोरों पर चल रही हैं और जो भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आना है इंफ्रा को लेकर, चाहे वो होस्ट करने को लेकर, वो काफ़ी उन्होंने अच्छे अमाउंट में दे चुके हैं। और एक हमारी सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खेलो इंडिया पंचकुला को मिल गया है, तो ये एक सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ के खिलाड़ी और अच्छी ट्रेनिंग कर पाएंगे और युवाओं को और अच्छा रूप मिलेगा आगे निकलने। देखिए, बहुत नोबल वर्क है ये आस्था फाउंडेशन का और अम्बाला सिटी में एक बहुत बड़ी प्रथा शुरू की है इन्होंने, तो मैं ये बधाई के पात्र हैं। ऐसी संस्थाएं सामने आएंगी तो डेफिनेटली हॉस्पिटल्स में जो बीमार होता है और उनके जो साथ में केयर टेकर होते हैं उनके लिए और उनके साथी जो आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा भोजन देना और एक बहुत ऐसे मात्रा रुपये 5 रुपये की एक थाली के रूप में, तो एक बहुत बड़ा नोबल वर्क है। और मेरे लिए तो मैं यही कहूँगा कि मैं इस फाउंडेशन को अपनी तरफ से, अपने निजी कोष से मैं 2 लाख मैं भी देता हूँ इनको, जिससे कि ये लोग और आगे काम बढ़ाएं और ऐसे संस्थाएं जो सामने आएँ कि बाकी के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी ऐसी संस्थाएं अपना योगदान दें।